जय श्री राधे। रचनार चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम दो कलर की ऊन से बांके बिहारी की बहुत ही सुंदर पोशाक बना रहे हैं। और सबसे पहले हमें एक चैन बनानी है इस तरीके से। हमने एक चैन बना ली है और इसके बाद इसी तरीके से हमें इसमें 15 चैन बनानी है। यदि आप इससे बड़ी पोशाक बनाना चाहती हैं तो आप 20 चैन तक भी ले सकती हैं। और इस तरीके से हमें इसमें 15 चैन बना लेनी है ऐसे। 15 चैन बनाने के बाद हमें 2 चैन छोड़ देनी है और तीसरी चैन में से हमें डबल क्रोशिया निकालनी है और फिर से क्रोशिया को निकालना है। ये डबल क्रोशिया है। इसी तरीके से पूरी लाइन में ही हमें ऐसे ही डबल क्रोशिया निकालनी है। ध्यान रखें, एक चैन में से सिर्फ एक ही डबल क्रोशिया निकालनी है। और इसी तरीके से हमें ये जो लाइन है हमारी चैन की, इसे हमें कंप्लीट करना है। इसी तरीके से हमें पूरी लाइन को कंप्लीट करना। देखिए, मैंने पूरी लाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ से ऐसे 2 चैन बनाएंगे, ऐसे और फिर ऐसे। इसके बाद फिर इसी के पास पहली चैन में से हमें डबल क्रोशिया निकालनी है। इसके बाद फिर इसी चैन में से हमें, जो हमने अभी अभी निकाली है क्रोशिया, इसी चैन में से फिर से हम डबल क्रोशिया निकालेंगे। आप ध्यान रखना कि जो हमें दूसरी लाइन बना रहे हैं, इसमें हर एक चैन में से हम डबल क्रोशिया निकालेंगे 2। इसी तरीके से हमें इस पूरी लाइन को ही कंप्लीट करना है। हर एक चैन में से हमें 2 डबल क्रोशिया निकालनी है। तो जो हमारे ये फंदे हैं, जो ये चैन है, ये डबल हो जाएगी ऐसे। हर एक चैन में से हमने 2 डबल क्रोशिया निकाली हैं और इसी तरीके से हमें पूरी लाइन को ही कंप्लीट करना है। देखिए, मैंने पूरी लाइन को कंप्लीट कर लिया है और हर एक चैन में से हमने ये डबल क्रोशिया निकाली है। और इसके बाद अब हमें ऐसे 2 चैन बनानी है और इसके बाद पहली चैन में से हम डबल क्रोशिया निकालेंगे ऐसे। और फिर इसके बाद दूसरी चैन में से भी हमें ऐसे ही डबल क्रोशिया निकालनी है। फिर इसके बाद हमें ऐसे ही डबल क्रोशिया निकालनी है। हर एक चैन में से एक ही डबल क्रोशिया निकालनी है और हमने ये लाइन भी कंप्लीट कर ली है इसी तरीके से। इसके बाद हमें फिर से ऐसे चैन को बनाना है और पहली चैन में से हमें डबल क्रोशिया निकालनी है और इसके बाद दूसरी चैन में से भी हमें ऐसे ही डबल क्रोशिया निकालनी है। एक ही डबल क्रोशिया निकालनी है ऐसे। हमने 3 चैन में से डबल क्रोशिया निकाल ली है और हमें ये 5 चैन में से ऐसे डबल क्रोशिया निकालनी है। ये हमारी 5 चैन हो गई हैं। इसके बाद हमें 5 चैनों को छोड़कर छठी चैन में से ऐसे बुनना है। 5 जो हमारी चैन है इन्हें हमें नहीं बुनना ऐसे। और इसके बाद फिर से हमें डबल क्रोशिया निकालनी है हर चैन में से। लास्ट में हम 10 चैन छोड़ देंगे, उसको हमें नहीं बुनना। अब हमें ऐसे ही हर चैन में से डबल क्रोशिया निकालनी है ऐसे। इसके बाद हमारी ये 10 फंदे रह गए हैं, तो हमें 5 को छोड़ देना है और छठे फंदे में से हमें ऐसे डबल क्रोशिया निकालनी है। और इसके बाद हमें ये 4 जो ये चैन है इनको भी हमें ऐसे ही बनाना है। ये हमारे 5 इधर की साइड में हो गई चैन और 5 ही इधर की साइड में हमने डबल क्रोशिया निकाली थी ऐसे। ये जो बांके बिहारी की जो हम ड्रेस बना रहे हैं, देखिए उसकी चोली बननी शुरू हो गई है।
ऐसे आएगी ये कुछ, और इसके बाद अब हमें इसे ऐसे ही बनाना है। इसमें हमें क्रोशिया डबल नहीं लेनी है, ऐसे ही हर चैन में से एक, सॉरी डबल तो लेनी है, हर चैन में से एक ही सिंगल डबल क्रोशिया लेनी है। ऐसे शुरुआत हम पहले ही सिलाई से करेंगे ऐसे, और इसके बाद हमें इस लाइन को ऐसे ही कंप्लीट करना है। हर एक चैन में से एक ही डबल क्रोशिया लेनी है। देखिए हमने ऐसे बांके बिहार की जो हम पोशाक बना रहे हैं उसकी जो ये चोली है इसे हमें कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम इसे ऐसे यहाँ से जोड़ना है। हमें ऐसे ही सिंगल फंदे को लेना है और अब हम इसे ऐसे जोड़ देंगे ऐसे। अब इसके बाद जो ये चोली है ये तो कंप्लीट है। इसके बाद हम नीचे का घेर बनाएंगे, और घेर बनाना बहुत ही इजी है। हर एक चैन में से हमें दो डबल क्रोशिया लेनी है। अब जो हम ये लाइन बनाएंगे इसमें से हमें हर एक चैन में से दो डबल क्रोशिया लेनी है, और ऐसे ही हमें इस लाइन को कंप्लीट करना है। एक चैन में से हमें दो डबल क्रोशिया लेनी है, और इसी तरीके से हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। मैं आपको बहुत ही इजी मेथड से बता रही हूँ बाकी बिहारी की पोशाक, फिर भी यदि आपको समझने में कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे हमने इस लाइन को कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने हर एक चैन में से दो डबल क्रोशिया ली है, और ये वाली लाइन भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हमें इस लाइन में से पहले ऐसे एक चैन में से डबल क्रोशिया लेनी है, इसके बाद फिर हमें दूसरी चैन में से डबल क्रोशिया लेनी है, और इसके बाद हमें इस लाइन को सिंगल ही डबल क्रोशिया लेनी है। इस लाइन में पूरी को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। देखिए मैंने इस लाइन को भी ऐसे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमें दूसरी कलर की ऊन लगानी है। इसमें ऐसे हमें इस ऊन को लेना है और ऐसे हम इसे चैन में लगा लेनी है। और इसके बाद हमें एक चैन में से चार डबल क्रोशिया लेनी है इस तरीके से ऐसे। ये हमारी दो हो गई, ये तीसरी डबल क्रोशिया हो गई। ध्यान रखें एक ही चैन में से हमें चार डबल क्रोशिया ले रहे हैं। इसके बाद हमें एक बार चैन बनानी है, और इसके बाद हमें एक चैन को छोड़ना है और दूसरी चैन में से फिर से हमें चार डबल क्रोशिया निकालनी है इस तरीके से। और फिर ऐसे ही हमें पूरी लाइन को कंप्लीट करना है। एक चैन छोड़कर दूसरी चैन में से चार डबल क्रोशिया निकालनी है, और इसी तरीके से आप पूरी चैन को ही कंप्लीट करें ऐसे। एक चैन को छोड़ देते हैं और दूसरी चैन में से हम चार डबल क्रोशिया निकालते हैं। और इस तरीके से हमने पूरी लाइन को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमें वाइट कलर की ऊन लेनी है, और इसे हम ऐसे एक चैन बनाएंगे। और इसके बाद जो हमने एक चैन बनाई थी, चार चार जो हमने डबल क्रोशिया ली थी, इसके सेंटर में हमें फिर से ऐसे ही फोर डबल क्रोशिया निकालनी है। चार डबल क्रोशिया निकालेंगे हम, फिर हम एक चैन बनानी है, और फिर से हमें ऐसे ही चार डबल क्रोशिया निकालनी है इनके सेंटर में से। इसके बाद फिर एक चैन बनानी है, और इसी तरीके से हमें ये जो लाइन है इसे हमें कंप्लीट करना है।
देखिए हमें इसी तरीके से पूरी लाइन को ही कंप्लीट करना है। हमने इसी लाइन को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमें ये नीचे का डिज़ाइन बनाना है। लास्ट की हमारी ये क्रोसिया है, लास्ट की लाइन है, तो सबसे पहले हमें ऑरेंज कलर की ये लेनी है। इसके बाद जो इनका सेंटर है, एक बार लिया, दो बार लिया ऐसे, और तीसरी बार ऐसे हमने इस ऊन को लिया है, और चार बार, और इसके बाद पांचवी बार हमने इस तरीके से बिना बुने ही पांच बार हमने ऐसे धागे को निकाला है ऊन को, और एक साथ ही हमें को ऐसे निकाल देना है डबल क्रोशिया इस तरीके से। इसके बाद एक चैन बनाई है, दो चैन बनाई है हमने, और तीन चैन। तीन चैन बनाने के बाद फिर हमें इसी के पास में ऐसे एक साथ निकाल देनी है ये ऐसे, और इसके बाद फिर से हम चैन बनाएंगे। एक चैन बनाई, दूसरी, और इसके बाद जो हमारा ये सेंटर है इसमें से फिर से हमें पांच बार ऐसे ही उनको निकालना है। एक बार क्रोशिया में लेनी है, दोबारा इस तरीके से हमें पांच बार इस क्रोशिया को ऐसे घुमाना है। ये हमारी 10 धागे हो जाते हैं, और ऐसे हमें एक बार निकाल के ऐसे दोबारा से इस क्रोशिया को ऐसे निकालना है, और फिर से हमें तीन चैन बनानी है, और इसी के पास में हम ऐसे ही निकाल देते हैं, और इसके बाद फिर से हमें ऐसे ही तीन चैन बनानी है, और इसके बाद फिर से हमें ऐसे ही पांच बार इस क्रोशिया को ऐसे धागे के साथ, एक बार हम ऊपर से धागा लेते हैं और उसके बाद इधर से धागे को निकालते हैं, तो ये हमारे 10 बार हो जाती है पांच बार निकलने के बाद। और इस तरीके से हमें क्रोशिया को निकालना है, और इसके बाद फिर से हमें तीन चैन बनानी है, और इसी के पास से हमें ऐसे ही एक बार में इस धागे को निकालना है सिंगल, और इसके बाद फिर चैन बनाएंगे, और इसी तरीके से हमारी जो ये लाइन है इसे हमें कंप्लीट करना है। इससे बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बन के आएगा। ऐसे ही आप पूरी लाइन को ही कंप्लीट कर लें। देखिए मैंने पूरी लाइन को कंप्लीट कर लिया है। जो बांके बिहारी की पोशाक है वो बन के तैयार है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।